हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल टॉपिक, जो न केवल बीकॉम के लिए बल्कि एमकॉम के लिए भी, न केवल बीकॉम एमकॉम के लिए, एमबीए बीबीए के लिए भी, न केवल इन सब के लिए, ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई आईएससी बोर्ड के लिए भी, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को परेशानी होती ही होती है, कॉन्सेप्ट लास्ट तक ट्रेवल करते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको मैं एक बारी रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूँ, और फिर उसके बाद आप उसमें जब चाहे रिवीजन कर सको। तो ध्यान से सुनना, समझना, सीखना, एक एक पॉइंट को कोशिश करेंगे कि हम बहुत ढंग से क्लियर करें, राइट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम लिखते हैं पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब राइटिंग में मत जाना, तुम जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं उस पर जाओ, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तीन वर्ड से लेके बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक एक वर्ड को समझोगे अलग अलग तो समझ जाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सबसे पहले समझो कैश को। कैश में क्या इंक्लूड होता है साहब, कैश का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है, कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट आने वाली चीज़ें हम कैश में इंक्लूड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होती हैं। उसमें आपका कंपनी के पास जो भी कैश बैलेंस है, कंपनी के पास या किसी भी फर्म के पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है केवल कंपनी का बनता है, किसी सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फर्म का, किसी का भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, राइट। तो जो भी फर्म के पास कैश है, जो भी फर्म के पास बैंक का पैसा है, बैंक में बैलेंस है, जो भी फर्म के पास आपके जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं हम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उन्हें कहते हैं जो शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट है, और वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसे सोच के किया हुआ है कि साहब या तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा, या फिर ज़रूरत पड़ी लिक्विडिटी की, कैश की, तो तुरंत उसको बेच के हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये चीज़ें हम कैश में इंक्लूड करते हैं, राइट। अब देखिए, इसके बाद बारी आती है फ्लो को समझने की। फ्लो दो तरीके का होता है, या तो इनफ्लो या फिर आपका जो है आउटफ्लो। इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, ये दो तरीके का फ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब कैश का आपके बिजनेस में आना, आउटफ्लो का मतलब कैश का आपके बिजनेस में से जाना, राइट। तो जानते ही हैं कि कहीं से भी कैश रिसीव्ड होगा किसी भी फॉर्म में, तो वो इनफ्लो माना जाएगा, राइट। और कैश आपके पास से, पॉकेट से जाएगा बिजनेस से, तो आउटफ्लो माना जाएगा। दिस इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आगे मैं ना इन सब चीज़ों को बहुत शॉर्ट में लिखूँगा। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ। इनफ्लो को मैं आगे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, आउटफ्लो को आगे मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ C/F/S, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, राइट। तो ये हमारा कैश एक्सप्लेन किया हमने, फ्लो एक्सप्लेन किया हमने, स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आई रिपीट, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम बनाते हैं, एक जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, वो अकाउंट नहीं होता है, राइट। इसलिए हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर कैश, कैश की एनालिसिस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जाऊं, जो आपके बुक में दी हो सकती है, इन तीनों वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन करने के बाद, तो वो ये हो सकती है, अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टू बैलेंस शीट्स ऑन डिफरेंट डेट। और जो डिफरेंट डेट्स होंगी वो कंसेक्यूटिव होंगी, 2019 की बैलेंस शीट, 2020 की बैलेंस शीट। इन दोनों डेट्स की जो बैलेंस शीट है, इनमें होने वाले कैश के चेंजेस को रिप्रेजेंट करता हुआ जो स्टेटमेंट होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। आई रिपीट, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट डेट्स ऑफ बैलेंस शीट टू एनालाइज द चेंजेस इन कैश
ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, राइट, चेंजेस इन कैश. उसमें हम करते क्या है साहब, ओपनिंग कैश बैलेंस लिख लेते हैं और सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज जोड़ देते हैं, इनफ्लोज जोड़ देते हैं, आउटफ्लोज घटा देते हैं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पे पहुंच जाते हैं. ये हमारी कहानी होती है, राइट. अब समझते हैं साहब, जो कैश फ्लो को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, इसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 बोलेंगे आगे शॉर्ट में. AS3 के हिसाब से कैश फ्लोज या कैश की एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है. सबसे पहली होती है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसकी बात करते हैं. इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CFOA, राइट. लेफ्ट साइड में इसके इनफ्लोज बताते हैं हम, राइट साइड में आउटफ्लोज बताते हैं. लेकिन पहले जरूरी है कि 3 एक्टिविटीज़ के नाम मैं बता दूँ. एक मैंने बताया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा होता है आपका कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इसको हटा देते हैं. तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन सब के शॉर्ट फॉर्म है, इसका है CFFA, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये तीसरे नंबर की है और ये कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट. एक एक करके समझते हैं. अगर मुझे समझना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो आउटफ्लो को, राइट, जो कि नंबर 1 एक्टिविटी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कैश फ्लोज को 3 एक्टिविटीज़ में बाइफरकेट किया है. पहली जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, दूसरी जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, तीसरी जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है. इनके इनफ्लो आउटफ्लो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए जिससे दिए हुए ट्रांजेक्शन से आप पहचान पाओ कि कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, कहाँ जाएगा, राइट. फॉर्मेट भी इन्हीं एक्टिविटीज़ को कंप्राइज करके पूरा इंक्लूड किया गया है, राइट. तो अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो भी फर्म कर रही है, वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले करेंगे. जैसे मान लीजिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी बताया जाए उसको केवल देखते नहीं रहना है, नोट भी साथ साथ करते रहना है. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगला है रिसिप्ट्स ऑफ रॉयल्टी फीस कमीशन, अगला है एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवांस रिसीव फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद रिफंड, कोई आपको रिसीव होता है रिफंड फ्रॉम टैक्सेस, टैक्सेस का पेमेंट आप करते हैं उस, अगर ज़्यादा आपने कर दिया है तो वो डिपार्टमेंट जिसको आपने टैक्स का पेमेंट किया वो वापस करता है आपको. तो ये आपका कहानी है, राइट. फिर उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसमें आ जाएगा. अब देखिए आउटफ्लो का मतलब पैसे जाना, तो पहला है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को, अब देखिए परचेज तो हम गुड्स को करते हैं, सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. दूसरा पेमेंट फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए क्या पेमेंट करोगे आप, सैलरी दोगे आप, वेजेस दोगे आप, कमीशन दोगे आप, तो ऐसा कोई भी पेमेंट आपका इसके अंदर आ जाएगा. फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ
टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब इसमें आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी से कंप्लीट कराना है, काम या तो आप खुद करते हो राइट, सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन खुद करते हो, या फिर आप के पास कोई ऑर्डर आया वो किसी दूसरी फर्म से प्रोड्यूस करा के आप दे देते हो। आपकी कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है, आपको ऑर्डर 60,000 यूनिट का मिल गया तो 50,000 यूनिट आप खुद बनाओगे, 10,000 यूनिट किसी से बनवाओगे। तो मेक और बाय डिसीजन होते हैं। तो कोई 10,000 यूनिट का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके लिए किसी को उसको एडवांस दिया तो वो आपका पेमेंट आउटफ्लोज होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फटाफट समझो आ जाओ। पहला इसके अंदर होता है, देखिए इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग का मतलब जिस काम का बिजनेस करते हो उससे रिलेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट इसमें आएंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात होगी राइट, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात होगी। कोई भी एसेट आप बेचोगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बेचोगे या किसी भी इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न मिलेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो होंगे राइट, और इसके अपोजिट कर दोगे तो आउटफ्लो होंगे। आई रिपीट, प्रोसीड्स या रिसिप्ट्स बोल सकते हैं हम उसको, फ्रॉम सेल या ट्रांसफ़र, क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह आप सेल नहीं करते हो, यू डोंट डू द बिजनेस ऑफ दैट, इसलिए उसको ट्रांसफ़र भी बोलते हैं हम लोग राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑब्लिक ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट आपने ट्रांसफ़र करी तो उससे आपको जो मिला वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो है। इनफ्लो लेफ्ट में लिख रहा हूँ मैं, आउटफ्लो राइट में लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड राइट। अगला है कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है राइट, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अब चाहे क्लेम आपने किया है या फिर क्लेम नहीं करना पड़ा, उसकी मैच्योरिटी हो गई है जितना भी इंश्योरेंस आपका था, तो जो पेमेंट आपको मैच्योरिटी पे मिले या क्लेम पे मिले वो आपका इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होता है। दूसरा है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए आपने कोई पेमेंट किया वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो होता है राइट। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर उठा रखी है, आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर उठा रखी है राइट, और किराए पर उठाना आपका बिजनेस नहीं है तो वो एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा पेमेंट ऑफ एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने किसी को एडवांस दे दिया तो वो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो जाएगा क्लियर। अब इधर आ जाइए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वेटिंग फॉर अस, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुने समझें और याद रखें। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाम ही उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब फंड से रिलेटेड बात होगी राइट। बिजनेस करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसा जहाँ से भी आप सोर्स करते हैं वो इनफ्लो होता है जहाँ पर भी। फिर उसके बाद अगर आप उस पैसे को जिससे आपने उधार लिया है चुकाते हैं तो वो आउटफ्लो होता है राइट। बात करते हैं एक एक करके, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एक ही बार में लिख दिया, इसको तीन पॉइंट बन सकते थे ये, कि अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे तो इनफ्लो है, डिबेंचर इश्यू करे तो इनफ्लो है, प्रेफरेंशियल इश्यू करे तो इनफ्लो है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गए राइट। फिर इसके बाद जरा सुनिएगा, दूसरा है
प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, बोरोइंग्स क्या होता है? लोन. कैसी भी बोरोइंग हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आपकी इसमें इंक्लूड होंगी. बोरोइंग्स माने लोन, उधार किसी से लिया पैसा आपने, फ्रेंड से लिया, समझे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी से भी लिया, सही, ओके, अंकल से आंटी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके बाद आपका जो है बैंक लोन, बैंक लोन से पैसा लिया आपने, लोन ऑन मॉर्गेज लिया आपने, तो कोई भी पैसा आपके पास किसी भी टाइप का फंड के रूप में आया, चाहे तो आपने शेयर इश्यू करे, चाहे आपने डिबेंचर इश्यू करे, चाहे आपने उधार लिया, चाहे आपने बैंक से लिया लोन, राइट, मॉर्गेज गिरवी रख के लिया या कैसे भी लिया, ये सब आपका जो है इनफ्लो है. आउटफ्लोज क्या होगा इसका अगेंस्ट? आउटफ्लोज में थोड़ा टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो ध्यान देना ज़रा. रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड अदर लोन, कोई सा भी लोन जो आपने लिया है अगर उसको आप चुकाते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रिपेमेंट, राइट. लेकिन प्रेफेंशियर का आप पेमेंट करते हो उसका लिए टर्म यूज होता है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. आप डिबेंचर का पेमेंट करते हो उसके लिए भी वर्ड यूज होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आप इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करते हो तो उसके लिए टर्म यूज होता है बाय बैक, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. आप डिविडेंड या इंटरेस्ट देते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है. थोड़ा देखो क्लैश नहीं हो इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ इस बारे में. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप रिसीव करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है, लेकिन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आप देते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है. थोड़ा ध्यान देना इस बात पे. रिसीव हम हमारे इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं और पे हम अपने फंड को सोर्स करने के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट चुका रहे हैं. लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट दे रहे हैं और शेयर इश्यू करे तो उनके अगेंस्ट हमें डिविडेंड देना पड़ता है. तो फंड को जो सोर्स किया है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट कर रहे हो आप, दैट इज़ योर आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मस्ट बी कैप्ट इन माइंड बिकॉज दिस कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एट द टाइम यू विल बी अटेम्प्टिंग अ न्यूमेरिकल, राइट. सो बी वेरी पर्टिकुलर इन दैट. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, पेड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, राइट. अभी नेक्स्ट टाइम इसका फॉर्मेट डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, राइट. फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे. थैंक यू सो मच.